लुलु हाइपर मार्केट में अंदर चल जाए। गाइस गुड मॉर्निंग, एक बार एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। मॉर्निंग का 4:37 हो रहा है और जाग चुके हैं और जाना है आज मीटिंग में लखनऊ, और आप लोगों को एंजॉयमेंट कराएंगे पूरा लखनऊ का, और मौका मिला तो लुलू मॉल भी दिखाएंगे। तो मैं अब थोड़ा फ्रेश होता हूँ, नहाता हूँ, इसके बाद फिर मिलता हूँ आप लोगों से। तब तक आप लोग अपना काम कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए सुबह सुबह, और थोड़ा सा चेहरा ऐसा है क्योंकि अभी सो के उठ रहे हैं तो अच्छा तो लगेगा ही नहीं। चलिए आज एकदम जबरदस्त और धांसू वीडियो होने वाली है, देखने को मिलेगा ही। रेडी हो चुके हैं और अभी समय बज रहा है 5:10, 5:10 हो चुका है, नहा चलने की तैयारी हो रही है और इंतज़ार करें गाड़ी की, क्योंकि अभी आगे से भाई एक आ रहे हैं, फोर व्हीलर वहीं से ले आ रही है गाड़ी, तो स्कॉर्पियो की इंतजार हो रही है, हाथी है, इसके बाद चलते हैं। चलिए फिर थोड़ा से पानी नहीं पीते हैं, नाश्ता करते हैं, तैयार होके आ गए हैं, गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं अपने ऑफिस में, और अभी गाड़ी आने वाली है, अब आ जाए तो फिर चलते हैं। लोग निकल चुके हैं, देख रहे हैं ना गाड़ी अब चल रही है, अब स्टार्ट टू लाग हमारा लखनऊ, और हमारे सामने ड्राइवर साहब ड्राइविंग कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और इधर नगेंद्र भाई जो है ये भी मुस्कुरा रहे हैं, ये भी बैठे हुए हैं। बाय बाय यार, बाय बाय नहीं यार, हाय हाय। और ये अभी तो सरायमीर की धरती से निकले हैं ना, बाकी तो एक्सप्रेसवे का नज़ारा देखने को मिलेगा आगे। ऐसा मौसम हो गया, कहीं बारिश कहीं धूप, अभी कुछ ही देर पहले इधर बारिश होके गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की। टोल टैक्स आ चुका है, अब यहीं से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे हम लोग चढ़ेंगे, अहिरौला माहौल गेट है, यहीं से आगे होंगे यहाँ साइड में रुकल है कहीं। हम लोगों का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे पदार्पण हो चुका, और आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पे दूसरी बार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में पदार्पण करा रहे हैं। आगे जो गाड़ी जा रही है नीरज और अनुपम भाई उसमें जा रहे हैं, आज अलग अलग गाड़ी में हम लोग हो चुके हैं, और अब रेस भर चुकी है गाड़ी, क्योंकि समझिए रनवे पे पहुंच चुकी है, तो आज सबको नशा है, 9 बजे जब मीटिंग है तो पहुंचने का। ये बगल से गाड़ी निकल रही है, अनुपम भाई और नीरज भाई इनको हाई कर रहे हैं, और ये गाड़ी साथ में चल रही है, देख रहे हैं लग रहा है कि चल ही नहीं रही है, चक्का पता ही नहीं चल रहा है कि चल रहा है, लग रहा है उल्टा चल रहा है सीधा चल रहा है, गजब। गाड़ी के साथ साथ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सेम स्पीड है तो लग रहा है अब हल्की हल्की लग रही चल रही है, अभी तक लग रहा था उल्टा चल रहा है, क्या गजब का नज़ारा है। ये व्यू देख काफ़ी दिन बाद देखने को मिला है, और ये खूबसूरत फूल जो पूरे डिवाइडर के बीच में लगाया गया है दोनों साइड से, 6 लेन पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, जानती ही हैं आप लोग, और कितना खूबसूरत वादियाँ नज़ारा, गांव ही है लेकिन बीचों बीच से खेतों के बीचों बीच से अब चली गई है, तो यहाँ से देखने पे अच्छा लगता है, बहुत मस्त लगता है। देख रहे हैं इतने देर के बाद मुस्कुरा मुस्कुरा के अनुपम भाई आ गए, अभी इनका डांस भी होगा सड़क पे, सड़क पे डांस जो करते हैं वो तेज करते हैं ना नीरज भाई, इधर सड़क पे डांस करने का अंदाज जानते ही हैं, मजा आएगा। चलिए फिर मिलते हैं अभी लखनऊ में, लखनऊ में भी तो अभी बाहर लूटना है, चला हो बाय बाय, बाय 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 बाय। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे छोड़ दिए, अब हम यहाँ से नीचे उतर चुके हैं, और यहीं से अब कुछ देर बाद हमा महू हैं, उससे पहले हम लोग बीच से ही कट जाएंगे, और जो फोनिक्स प्लेसियो और स्टेडियम इकाना स्टेडियम है उसके बगल से नए नए साले जाने के लिए रास्ता है, और ये सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख रहे हैं। अब जो भी गोमती नगर विस्तार में पूरा जगह खाली थी, सब प्लाटिंग प्लाटिंग हो रही, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, बहुत तेज़ी से लखनऊ का विकास
गोमती नगर विस्तार 7 में मतलब हो रहा है और काफ़ी ज़बरदस्त प्रोग्रेस हो रहा है। और स्टेडियम बनने के बाद तो पूछना ही, देख रहे हैं सामने इकाना स्टेडियम आपको नज़र आ रहा है, यह इकाना स्टेडियम और उसके बगल में प्लेसियो मॉल जो एकदम ज़बरदस्त और खूबसूरत बना हुआ है, जो एकदम धांसू और मस्त है। फोनिक्स प्लेसियो देख रहे हैं आप लोग, ये भी कितना खूबसूरत और ज़बरदस्त है, कितनी दूरी में बना है और खूबसूरती और देखने की जो बनावट है, और इसमें घूमे हैं हम लोग, आपको दिखाई भी है इकाना कितना अच्छा लग स्टेडियम रहा गोमती था। नगर में खड़े और ये होकर के सामने इकाना से आप देख स्टेडियम रहे हैं इंटरनेशनल। इकाना स्टेडियम, जो अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम के नाम से अब हो गया है, और कितना ज़बरदस्त है इसका लोकेशन। और यहाँ से हम लोग अब निकल चुके निदेशालय के लिए, सामने जो है सड़क घूमी है, सामने डोडा की ऑफिस, सूडा की ऑफिस है, पुलिस मुख्यालय है, नवेदा समिति की ऑफिस हो चुकी है, बाकी निदेशालय हमारा है जहाँ हम लोग चलेंगे। निदेशालय में हम लोग आ चुके हैं और ये देख रहे हैं प्रोजेक्ट अलग अलग नगर निगमों के द्वारा लगाया गया है, और किस तरह से अपने प्रोजेक्ट्स को बनाएंगे। और निदेशक महोदय जो थी, इनसे कुछ लोग बता रहे थे, प्रयागराज का देखिए पूरा प्रोजेक्ट मॉडल है, कैसे अपने शहर को बनाएंगे और क्या क्या उसमें देंगे, एक मॉडल के तरफ जो है प्रस्तुत किया गया है और खूबसूरत खूबसूरत बना के प्रस्तुत किया गया है। और आगे अभी हम आपको दिखा देंगे कि आगे और क्या देखने को मिलेगा, और ये अभी देख रहे हैं कितना खूबसूरत बना हुआ है। आगे इन्जॉयमेंट करिए आप लोग, इधर इन निदेशक महोदया को बता रहे हैं, आगरा निगम निगम का, आगरा नगर निगम का ये है बना हुआ, वो अपने पूरे नगर के जो विस्तार और बनावट के लिए जो प्रसिद्ध है उसको दिखा रहे हैं। और इधर CND वेस्ट का कैसे इस्तेमाल होगा, ये इसके लिए बनाया गया है कि किस तरह से पूरे प्रोजेक्ट को चला के हम CND वेस्ट का उपयोग कर सकते हैं। यानी CND वेस्ट का मतलब है जो घर कोई निर्माण होता है उसमें से जो सामान टूटती है, ईंट पत्थर जो भी निकलती है उसका उपयोग कर सकता है। और ये फाइबर जो वेस्ट प्लास्टिक है उसका उपयोग करके ये सब देख रहे हैं बनाया गया है, सब प्रोडक्ट आपको देखने को मिला है। इधर टाइल्स तक देख रहे हैं जो नीचे फर्श में बाहर लगाया जाता है, ये यहाँ तक इसको बना दिया गया है, जो खूबसूरत और मस्त लग रहा है। और ये देख रहे हैं निदेशालय की बनावट कितना खूबसूरत लग रहा है, और जिस हाल में मीटिंग होना है इस सामने ये वर्कशॉप यानी कार्यशाला होना है उसमें, और ये पूरे प्रदेश के सभी यूथ आप लोग इकट्ठा हुए हैं, और कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर भी हैं, बाबूजी भी हैं, लोग सब लोग इकट्ठा हुए हैं। और यहीं माननीय मंत्री AK शर्मा जी आएंगे और दिन भर समय लेंगे, क्योंकि ये कार्यशाला उनके देख रेख में होने वाली है, और अभी इंतज़ार हो रहा है। और सभी लोग बैठे हैं, हमारे साथीगण नरेंद्र भाई, अजीत और अनुपम भाई, और उधर नीरज भाई, सब लोग बैठे हैं, अपना अपना फाइल पलट रहे हैं, फाइलें लेके पलटने में बहुत तेज़ हैं, और इतनी भीड़ हो गई है कि बहुत कम जगह बची, सीटें पूरी फुल चुकी हैं। हम लोग तो आके बैठ गए थे तो सीट का जो है पूरा पूरा इंजॉयमेंट कर रहे हैं। और इधर दीप प्रज्वलित किया जा रहा है AK शर्मा जी के द्वारा, निदेशक महोदया जी के द्वारा, और प्रमुख सचिव साहब हैं जो इनके द्वारा ये जो कार्यक्रम हो रहा है। हमारे जो नगर पालिकाएं हैं लगभग 200 और लगभग 500 से ऊपर जो हमारे नगर पंचायतें हैं, उनके भी अध्यक्ष प्रमुख ज्यादातर मुझे बताया गया है कि इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं इस परिसंवाद में वर्कशॉप में स्वागत करता हूं। यहां पर आप देख रहे हैं कोई विदेश की कंपनी, कोई कोई एयरक्राफ्ट बनाने वाली, कोई टैंक बनाने वाली, तोप बनाने वाली कंपनी, फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी तब आती है, तब आएगी आपके बुंदेलखंड में, जब उसके मैनेजर उसको कहेंगे कि हाँ भैया हम बुंदेलखंड में जैसी जगह पे जाकर के हम रहने को तैयार हैं। आप जब झाड़ू लगाते हैं, आप जब नाली साफ करते हैं, आप जब गली साफ करते हैं, तो ये हमारे राष्ट्र निर्माण की मित्र प्रक्रिया है। इसमें कहीं भी संकोच, कहीं भी शर्म रख करके काम करने की आवश्यकता नहीं है। जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर हमें कर करके राज्य की जनता के चरणों में अपने उत्तर प्रदेश को रख देना है। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है। देख रहे निदेशालय में
इतनी जबरदस्त भीड़ है, इतने लोग पूरे नगर पालिका नगर पंचायत से आए, किस तरह से सजा हुआ है, गाड़ियां लगी, मंत्री जी माननीय मंत्री जी ए के शर्मा जी भी हैं, उनके संबोधन उनके द्वारा बातें की जा रही है, तो और हमारे सहयोगी लोग जा रहे हैं, हम भी चल रहे हैं। थोड़ा फूलों का सजावट आप लोग एक दो बार देखे भी होंगे निदेशालय में, और नगरीय निकाय के निदेशालय कितना खूबसूरत है। निदेशालय में आए के ये लोग खड़े हैं ऐसे झाड़ियों के पीछे खड़े होके आनंद ले रहे हैं, नाला का नाला का निरीक्षण हो रहा है। यह प्रयागराज द्वारा जो है प्रोडक्ट का प्रोजेक्ट बनाया गया है, यह RDF है जो नॉन रिफ्यूज जो प्लास्टिक है उससे ऑयल बनाने के लिए बनाया गया है, और अगर भविष्य में इसका यूज होता है तो इससे जो प्लास्टिक है उससे फ्यूल बनाया जाएगा जिससे गाड़ियां चलेंगी। तो यह प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा, कैसे काम करेगा यह प्रोजेक्ट जब वर्क करने लगेगा तो काफ़ी हद तक जो समस्याएं हैं तेल की कुछ कम होगी, और प्लास्टिक हमारा जो इन्वेस्ट मतलब प्रकृति में वातावरण को जो है प्रदूषित कर रहा है उसको यूज करके फ्यूल बना दिया जाएगा, और दूसरे प्रक्रिया में चेंज भी कर दिया जो नुकसान भी नहीं करेगा। चल रहे हैं लुलु माल घूमने के लिए, और जो देखा वो दिखा दे। आप लोग कहाँ जाना चाह रहे हैं अभी बताइए, कहाँ जाना है? लुलु माल कौन देखा है, कौन कौन पर ये बताइए, खासा कहे रहा भाई, लुलु का मतलब कोई जानता है क्या होता है? जानते हैं जाता है कहाँ, एयरपोर्ट जाता है, और इसी एयरपोर्ट वाले रोड पे ही लुलु माल है। लुलु का मतलब अरबी में मोती होता है, मोती मोती हीरा नहीं मोती, और ज्यादातर अरबी में जो है लुलु नाम रखते हैं, और अक्सर कर लड़कियों का नाम लुलु जरूर रखते हैं। इसके आसपास पार्क जबरदस्त लग रहा है यार, गजब पार्क लग रहा है, मतलब मस्त एरिया एकदम झांसू झकास लग रहा है। वेलकम टू लुलु माल, बड़ा धमाल, बड़ा नाम सुने थे, और लुलु माल का ये पूरा सिनेरियो देख रहे हैं, पार्किंग वर्किंग बहुत जबरदस्त बाहर है ना, एकदम से मस्त है, और लेकिन अब अंदर क्या है, कितना बड़ा है, अब देखने के बाद पता चलेगा। लुलु माल का पूरा विजन देख रहे हैं आप, कितना मस्त लग रहा है, और एकदम धांसू एक से बढ़ के एक, और काफ़ी वीडियो देखने के बाद मिला था कि इतना लोग दिखा रहे हैं लुलु माल, आज मौका मिल गया, लुलु माल हम आप लोगों को भी दिखा रहे हैं। हर ब्रांड के कपड़े, खेल खिलौने, सर्कस, लड़कों के एंजॉयमेंट के लिए भी है, और ब्रांडेड सामग्री भी मिल रही है। वेस्ट साइड टाटा इंटरप्राइजेज का कपड़ा का ब्रांड लगा हुआ देख रहे हैं ना, लुक लोकेशन बहुत जबरदस्त लग रहा है ना, खूबसूरत माल लग रहा है। बस माइक नहीं है इसलिए थोड़ा सा आवाज थोड़ा गूंज रहा होगा, लेकिन फिर भी देखने को मिलेगा आप लोगों को। लुलु माल का ये टाटा का जो वेस्ट करके है वो एरिया, उसमें घूम रहे हैं हम लोग हैं, और कपड़ा ही कपड़ा देख रहे हैं, कितना ज़बरदस्त कपड़ा नज़र आ रहा है। थोड़ा भीड़ ज़्यादा है तो आवाज़ आप लोगों को ज़्यादा नहीं जा रही होगी, इसलिए थोड़ा सा हट के बोलना पड़ रहा है। आइटम खूबसूरत स्पोर्ट, चारों तरफ स्पोर्ट, देखा तो लगा कि हाँ स्पोर्ट को आइटम मिला है, क्योंकि आप भी देख सकते हैं कितना जबरदस्त स्पोर्ट्स कपड़े हैं जो एकदम छक्कास धांसो। अब देख रहे हैं सुबह हम लोग 9:30 बजे आए थे, और इस समय बज रहा है 7:15, कितना पौने सात बज गया। अब छूटने की तैयारी हो रही सबकी, अब हम लोग निकलेंगे, और सब लोग छूट रहे हैं तो फिर निकलेंगे, और रात्रि का भी मजा लेंगे एक्सप्रेस वे पर। Thank you.
गंतव्य स्थल तक आ चुके हैं और इस समय बज रहा है 11:15 और चले थे 7:15 बजे हम लोग। बढ़िया रहा, आप लोग जितने भी व्यू देखे मजा आएगा। लुलू माल का जो व्यू 60 में देखे, अगर इसकी फुल वीडियो चाहिए तो एक अलग से वीडियो आएगी, उसमें लुलू माल का पूरा एंजॉयमेंट मिलेगा। इतना जबरदस्त वीडियो मिलेगी जो आप लोगों को मजा देगा, और जो इसमें नहीं देखने को मिलेगा वो भी उसमें देखने को मिल जाएगा। वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, खूब ढेर सारा प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।